अलवर नगर निगम में लंबे समय से रिक्त चल रहे नेता प्रतिपक्ष के पद पर अब कांग्रेस पार्षद विक्रम यादव ने पदभार ग्रहण किया है। बातचीत के दौरान विक्रम यादव ने कहा कि अलवर में पानी, आवारा पशुओं और सफाई की मुख्य समस्याएं हैं। सभी समस्याओं पर विशेष फोकस करते हुए निराकरण के पूरे प्रयास किए जाएंगे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आप ये देखिए, शहर के अंदर विकराल हालत है पानी की समस्या को लेकर। पानी की समस्या इतनी गंभीर है, जनता को पीने के लिए पानी नहीं है। तो इस आवाज को लेकर हम पूरे शहर को एकत्र करेंगे, पूरे शहर की जनता को लेकर जलता विभाग का घेराव करेंगे, कलेक्टर घेराव करेंगे। अगर यहाँ भी पानी नहीं पड़ी तो हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। जनता को आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आज जो वर्तमान समय है, इस समय में पानी की बहुत गंभीर समस्या है, जिस समस्या को लेकर आम जन बहुत ज्यादा परेशान है। और परेशान इस हद तक का है, लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, झगड़े हो रहे हैं। आप देखिए, जगह जगह जाइए, जाम लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक को पानी पीने तक का भी नसीब नहीं हो रहा। आप वैसे पानी का यूज उपयोग तो कैसे कर पाएंगे, जब पीने का पानी नहीं है। तो आप हालत देखो, शहर की क्या हालत होगी। आप शहर में सफाई की व्यवस्था को देख लो, आप शहर में अतिक्रमण देख लो, आवारा पशु की देखो, शहर इतना बुरा हाल है। लगता नहीं लोगों को, पर्यटन के मामले में इतना अच्छा नाम है अलवर जिले का, अलवर शहर का, लेकिन अलवर शहर के अंदर जब व्यक्ति आता है तो इन हालातों को देख के सोचता है कि इससे गंदा शहर कोई नहीं है।